हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं हूं रमन मिश्रा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस समय हम लोग 10 प्लस कोर्सेस पर फोकस हैं, जो आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं विभिन्न आयोगों के द्वारा आयोजित कराई जानी है, उन सभी परीक्षाओं को सम्मिलित रूप से करके हम लोगों ने एक आपका नया कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं, कोई भी परीक्षा है, आयोग चाहे जो विभिन्न है, लेकिन सिर्फ परीक्षा के स्तर में, आपको प्रश्नों के स्तर में पूछे जाने की भाषा में सिर्फ बदलाव मिलता है। और आजकल तो आप देख रहे हैं, कोई छोटा सा जो परीक्षा, छोटी सी अगर परीक्षा है, मतलब उस वैकेंसी को अगर हम ग्रुप डी या ग्रुप सी से कंपेयर करें और हम ग्रुप बी की जॉब में देखें, तो अधिकतर चीजें हमें यह मिलती है कि प्रश्नों के स्तर भी हमें हूबहू मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको कॉमन मिलते हैं, कुछ ही प्रश्नों में बदलाव होता है। यानी अब हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना होगा बहुत अच्छी समझ के साथ। इसीलिए टीम परीक्षा प्लस ने मैनेज किया है आप सभी के लिए एक सबसे बेहतर कोर्स, जिसको 10 प्लस कोर्स की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इस कोर्स के अंतर्गत हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, एक साथ लगभग हम 10 कोर्सेज पर फोकस हैं, जिनके संबंध में आपको हम विभिन्न क्लासेज समय समय पर प्रोवाइड करते हैं। यह पूर्णतया निशुल्क कोर्स है। इस समय वर्तमान में हम लोग यूपीपीसीएस को लेकर के, यूपीपीसीएस प्री जो 2020 है, बीओ की जो परीक्षा आपकी है, आरओ एआरओ 2016 की जो परीक्षा है, इन तीन परीक्षाओं के लिए चार जो है शाम को 6 बजे एक फुल वीडियो आपको जीएस की प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें संपूर्ण डिटेल के साथ सारी जानकारी दी जाती है। उसके अलावा आपको 2 बजे यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जीएस की एक वीडियो मिलती है, उसी के क्रम में आज मैं आपके सामने हूं। आज मैं आप सभी के सामने शुरुआत कर रहा हूं एक सबसे बेहतरीन आपका पॉइंट, जिसके बारे में तमाम क्वेरियां इतनी मिल चुकी हैं कि सर ग्रामीण विकास एवं परिवेश पढ़ा दीजिए। आज आप सभी के मुद्दे पर मैं आया हूं आप सभी के सामने, यानी ग्रामीण विकास एवं परिवेश या ग्रामीण विकास एवं समाज के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। जानते हैं सबसे बड़ी क्वेरी आप लोगों की क्यों है, क्योंकि आपको सिलेबस यह नहीं मालूम कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ना चाहिए, यह नहीं पता। इसी वजह से आपका पूछना एकदम जायज है और उन्हीं पर आप सारे प्रश्नों जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हूं। और एक नई क्लास आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं 2 PM वाली क्लास में, तो सारे लोग ज्यादा से ज्यादा इस लेखपाल के स्पेशल बैच में हमारे जुड़िए। इस बैच को इस समय हम सिर्फ लेखपाल पर केंद्रित चला रहे हैं। ठीक है, जो 10 प्लस आपका कोर्सेज है, इसमें जो 6 बजे की आपकी जीएस की क्लास होती है उसको बहुत ढंग से पढ़िए। सुबह सुबह 10 बजे मैथ या रीजनिंग की क्लासेज आती हैं, उनको बहुत अच्छे से करना है लेखपाल में, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों सम्मिलित रूप से आएगी। ठीक है, जो रीजनिंग के 25 प्रश्न होंगे उसी के अंतर्गत मैथ है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैथ नहीं आनी है, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करिए, क्योंकि मैंने सिलेबस इससे पहले चर्चा किया है, वीडियो पढ़ा है, पूरा देख लीजिए उसको, आपको सिलेबस के बारे में सब कुछ, सारी चीजें पता चल जाएं। तो इस कोर्स से सारे लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। इस कोर्स में एक चीजें आपको करनी पड़ेंगी कि अगर आप हर एक हमारे द्वारा जितनी क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं, उन क्लासेस की अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हाई क्वालिटी जो है कंटेंट होते हैं, हर एक कंटेंट की अगर आपको नोट्स चाहिए, तो उस नोट्स के लिए 499 रुपए में 3 महीने के लिए आपको हमें एक सब्सक्रिप्शन प्लान हमारे से लेना होगा, और वो हमारी ऐप परीक्षा प्लस पर गूगल प्ले स्टोर में भी ऐप उपलब्ध है, वहां से कर ले, या live.parikshaplus.org आप ओपन करिए, हमारी टेस्ट की वेबसाइट है, वहां से सीधा परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप दिए गए 3 नंबर आपको दिख रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं कि हमें निःशुल्क कोर्स में जुड़ना है लेखपाल में, सर हम क्या करें। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन वीडियो में लगी हुई है, आप जाएंगे किसी भी वीडियो को ओपन करेंगे 10 प्लस प्रोग्राम के अंतर्गत, हमारी वेबसाइट, टेलीफोन, वहां पर मोबाइल नंबर्स और सर हर एक चीजें हैं। टेलीग्राम से जुड़िए, फेसबुक ग्रुप से जुड़िए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम का सारे लोग लाभ लें। वीडियो पर कोई भी चार्ज आपके नहीं है, कोई भी क्विज हम जो क्लासेज आपको पढ़ाते हैं इस पर आधारित क्विज करवाते हैं, उस क्विज का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेते। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ, क्योंकि हमें कंटेंट राइटर रखने हैं, टाइपिस्ट रखने हैं, इन्हीं सभी के लिए सारी चीजें की जाती हैं, तो इतना महंगा भी आपका शुल्क नहीं है जो आपको लगता है। ठीक है, बहुत लोगों की मानसिकता होती है, अच्छा आगे जैसे उस वीडियो को मैंने देखा तो उसमें कई चीजें ये आई लोगों के द्वारा, भाई 499 रुपीज क्या है, 500 रुपए तो आप लोग रिचार्ज करवा देते, ये तो 3 महीने की बात है।
और वो भी हम आपको ऐसा कंटेंट देंगे कि आप एक आध चीजें हमारी कंटेंट को देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे टीम परीक्षा प्लस है क्या। ठीक है, उसी के संदर्भ में मैं आगे बढ़ता हूं। प्लान सारे लोगों को लेना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपकी पढ़ाई में एक जो आपका नया स्टेप होना चाहिए, यानी नोट्स मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा लड़के इसी से परेशान होते हैं, मैं जानता हूं, और होंगे क्यों नहीं। आपको सिलेबस नहीं पता, आपको किसी कंटेंट के बारे में नहीं पता, आप कैसे पढ़ोगे भाई। उसीलिए जो चीजें हम उपलब्ध करवा रहे हैं, इसको अच्छे से जुड़िए। आज मैं आप सभी के सामने जो पॉइंट शुरुआत करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। पहला लेक्चर आपका है ग्रामीण विकास एवं परिवेश का, ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। आज से मैं लेखपाल आपका विशेष जो है 2 PM की ये क्लासेस प्रारंभ कर रहा हूं। इसमें जितने लोग हैं, जितने आपके दोस्त हैं, सभी को जोड़िए इस निःशुल्क प्रोग्राम से। कहीं भी किसी को भटकना नहीं है, सारी क्लासेस बहुत प्रॉपर वे में मिल रही, पूरी क्लासेस पड़ी हुई है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, सारे लोग जाकर के अलग अलग जितने भी टीम के मेंबर्स हैं उनके द्वारा पढ़ाए गए सारी चीजें वीडियोस पड़ी है, उनको देखिए, समझिए टीम परीक्षा प्लस क्या है, तब उससे आप फैसला करिए जुड़ने का। ठीक है, सब कुछ चीजें आपके सामने उपलब्ध है। ध्यान दीजिए, लेखपाल विशेष के इस बैच में आज से आप सभी के लिए मैं प्रारंभ कर रहा हूं ग्रामीण विकास एवं परिवेश, जो आप सभी की बहुत बड़ी मांग होती है कि ग्रामीण विकास सर पढ़ा दीजिए, इसके लिए किताब पढ़ा दीजिए। भैया, ग्रेजुएशन में और जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसमें कोर्स करवाता है इग्नू आपका, मैं कौन सी किताबें सजेस्ट कर दूं आपको। किताबें मेंस के लिए आती है, कई आपकी हैं, कई अच्छे अच्छे राइटर हैं, मैं किताबें बता दूं, लेकिन वो किताबें आप पढ़ के और फिर लेखपाल की परीक्षा अगर निकालने सोच रहे तो भूल जाइए। वो किताबें जिस आधार पर लिखी गई हैं, इसीलिए जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, भी बता रहा हूं मैं कितनी चीजों पर आपसे बात करूंगा, क्या क्या चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, जितनी चीजें हैं सब खत्म कर लीजिए। पूरे के कंटेंट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, सारे नोट्स बेहतरीन ढंग से होंगे। बस आपको क्या करना है, क्लासेस को देखकर दिए गए नंबर पर कॉल करना है या परीक्षा प्लस ऐप से सीधा जाकर के सब्सक्रिप्शन लेना है कि आपको हर एक क्लासेस की वीडियोज के साथ साथ हर एक कंटेंट आपको उपलब्ध होता रहे। ठीक है, तो कहीं भी बुक के बारे में मत परेशान हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं पूरी चीजें मैंने पूरा जितना लेखपाल इसने करवाया UPSSC ने, ठीक है, UPSSC ने नहीं, राजस्व लेखपाल इससे पहले जो है राजस्व ही करवाता था सारे राजस्व विभाग, तो उसके द्वारा जो परीक्षाएं हुई है UPSSC जैसा वर्तमान में चल रहा है, सारी चीजों को मिक्सअप करने के बाद जितना कुछ मुझे मिला है उन्हीं के साथ मैं आज आप सभी से शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, ग्रामीण विकास एवं परिवेश के बारे में जब हम बात करेंगे कि ग्रामीण विकास एवं परिवेश या ग्रामीण विकास एवं समाज, आखिर इसके अंतर्गत पढ़े क्या, बच्चों की सबसे बड़ी क्वेरी है कि सर इसमें हम पढ़े क्या। देखो भैया, सीधी सी बात है, आप लेखपाल बनने जा रहे हो राजस्व विभाग के अंतर्गत, 5200 सीटें आनी है, ठीक है, तो लेखपाल का जो कार्य होता है उस कार्य से विधिवत जानिए। उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें समस्याएं हैं गांवों के विकास में, उन गांवों के विकास को पहले समझिए। हम सभी भाई, हम भी ग्रामीण हैं, हम भी जो है खेती करना जानते हैं, खेती किसानी हमें भी आती है, लेकिन क्या चीजें होनी चाहिए ग्राम के विकास को लेकर। देखो, भारत जो है गांवों का ही देश रहा है, तो गांवों के देश को अगर हमें विकसित करना है, हम आज तो इतने मॉडर्न, हमारे पास इंडस्ट्रियां नहीं है, आज भी हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट है, वर्तमान हालात हमारे देख लीजिए, ठीक है, हम लगभग विश्व के अन्य देशों पर डिपेंडेंट है, वहीं से सब कुछ हम आयात करवाते हैं, हमारे यहां से निर्यात आयात की अपेक्षा बहुत कम हुए, तो इन्हीं सारे हालातों पर आखिर गांवों को विकसित कैसे किया जाए, गांव अपनी जो है दिनचर्या की सारी चीजों के लिए कैसे कैसे खुद को मजबूत करें, ठीक है। आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी गांव के सारे पंचायतों, जो पंचायतें हैं उनके सरपंचों से जो है लाइव कॉन्फ्रेंसिंग की, वहां पर उन्होंने भी यही बात रखी कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। बताओ, मतलब 1947 से आज तक सारी योजनाएं चलती रही गांवों के लिए, तमाम योजनाओं को आप सुन डाले, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया गांवों के लिए, फला योजनाएं आई, मनरेगा आया, फिर भी गांवों की हालात जस की तस बनी है। स्थानीय स्वशासन आपको समझना होगा। देखो, ग्रामीण विकास के अंदर क्या क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले तो आपको गांव के बारे में पढ़ना होगा, ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा का जो है कैसे मिलकर बनती है, फिर उसको बाद आपको जिला स्तर की सारी जानकारियां पता होनी चाहिए, भाई जिला परिषद क्या है, जिला पंचायत क्या है, मतलब जिला स्तर की संपूर्ण जानकारी आपको रखनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन को आपको बहुत ढंग से पढ़ना है, जो पंचायती राज के अंतर्गत आपका आता है। उसके बाद जिला के बाद आपको ब्लॉक स्तर की समस्त जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए कि ब्लॉक स्तर पर कौन सा अधिकारी कैसे कार्य को संचालित करता है, क्योंकि ब्लॉक ही गांवों की क्या होती है, एक तरीके से हेडक्वार्टर होता है, जहां से विकास से संबंधित हर एक कार्य चलते हैं, ठीक है, तो ब्लॉक सबसे बड़ी भूमिका आपकी निभाता है गांवों के विकास से संबंधित। अगली चीज,
चौथी जो बात है, आपको तहसील के स्तर की समस्त जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए कि तहसील के स्तर पर क्या क्या कार्य गांवों से संबंधित किए जाते हैं। ठीक है, पांचवी चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए, मतलब कितने चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ लें, क्या क्या जानकारियां ले लें, तो हमें ग्रामीण विकास एवं परिवेश की समस्त जानकारियां होगी, उन्हीं पर आपसे परिचर्चा के लिए मैं मौजूद हूं। तो छठी जो बात आपको आनी चाहिए वो बात ये होनी चाहिए कि जैसे यहां आप ग्राम सभा बारे में जान गए, जिला स्तर के बारे में, ब्लॉक के बारे में, तहसीलों के बारे में, ठीक है, अब आपको क्या प्रमुख रूप से जानना है, अब आपको सारी चीजों के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में भी जानना है, ठीक है, कि जो त्रिस्तरीय पंचायतीय व्यवस्था चलती है वह कैसे कैसे भूमिका अपने यहां निभाती है। आज ये इंट्रो का चैप्टर है तो ऐसा आपको जरूरी नहीं समझना है कि सर जी कुछ पढ़ाए नहीं। सबसे पहली चीज होती है भूमिका, आपको हर एक बिंदुओं से मैं अवगत कराना चाह रहा हूं, उसके बाद पूरे लेक्चर को शुरुआत करूंगा, बहुत विधिवत ढंग से करना है, तो कहीं भी भटकाव मत लाइए, ठीक है ना। तो कोई ऐसी चीजें हैं जितनी जगह पर बहुत सारे बच्चे अभी क्वेरीज में आई, ठीक है, कोई बच्चा मुझे व्हाट्सएप किया पूछ रहा था कि सर जी वहां पर फला जगह हमने देखा था वो ये बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, मैं जितनी चीजें आपको बता रहा हूं उसको एकदम बहुत ढंग से देखिए, पूरे लेक्चर्स को मेरे अटेंड करिए, इससे बाहर ग्रामीण विकास एवं समाज नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो अगली चीज जैसे स्थानीय स्वशासन हो गया, स्थानीय स्वशासन के बाद अगर हम बात करें कि गांवों के विकास से संबंधित क्या पढ़ना है, समाज के बारे में जानना है, समाज की भूमिका को बहुत अच्छे से हमें जो है जानना है, साथ ही साथ हमें इसके अलावा, ठीक है, स्थानीय जो है स्वशासन के अलावा, समाज के अलावा, फिर जितनी भी भारत सरकार के द्वारा चलाई गई गांवों के विकास को लेकर योजनाएं हैं उन समस्त योजनाओं को जानना है, भारत सरकार की योजनाएं जो स्वतंत्रता से लेकर के आज तक चली हैं उन सभी योजनाओं पर ध्यान आपको केंद्रित करना होगा। उसके बाद आठवां नंबर आपको कृषि के बारे में जानना है, कृषि ही तो मुख्य है भाई, जितनी लड़ाइयां आज तक देखा है जमीनों के लिए हुई, चाहे राजतंत्र उठा लो कि हमें अपना राज्य की सीमा यहां से वहां बढ़ानी है, किसानों को जमीन मिलेगी, वहां की जमीन उपजाऊ है, सारे युद्ध इसी के लिए हुए, आज भी युद्ध यही होते हैं। अमर उजाला हिंदुस्तान उठा लो, क्या मिलता है, मेड़ काटने को लेकर भाई ने की भाई की हत्या, यही तो खबर मिलती है, और हम लोग तो इसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कहां पर किसकी मेड़ कहां पर थी, किसने जो है अपनी मेड़ जो है चक्रोट काट ली है और उसने, ठीक है, अपने खेत में उसको शामिल कर लिया, यही नापने का हमारा काम है, लेखपाल तो यही बन रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो कृषि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ढंग से मैं बताऊंगा, कृषि के पैमाने क्या क्या उत्तर प्रदेश में यूज होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग वेबसाइट से सर्च मारते हैं, वेबसाइट पर भैया ये चीज अच्छे से समझ लो, अलग अलग आपको राज्य की मिलेगी, उत्तर प्रदेश विशेष कंटेंट नहीं मिलेगा, और इसी भटकाव में अगर आप एक क्वेश्चन गलत कराए उससे सिलेक्शन होगा तो आप अपने आप को दोष देंगे, इसीलिए जितनी चीजें मैं उत्तर प्रदेश विशेष आपको बता रहा हूं उतने बहुत ढंग से पढ़िए। और चीजें कृषि के अलावा आपको क्या पढ़ना है, कृषि के अलावा आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ढंग से पढ़ना है, पूरी चीजें कितने राज्य हैं, क्या कैसे हैं, मतलब जिले हैं क्या कैसे हैं, उन सभी के बारे में बहुत विधिवत क्लासेस मैं पढ़ाऊंगा, उत्तर प्रदेश की भी मैं लूंगा, इससे पहले उत्तर प्रदेश की क्वेश्चन बेस्ड पर मैंने 24 क्लासेस ली है, ठीक है, उन क्वेश्चन को आप जाकर के देख सकते हैं, पूरी वीडियो प्ले लिस्ट में लगी है, ठीक है, उसको देखिए अच्छे से, रात को 10 बजे वाली क्लास मेरी लाइव होती है उसको अटेंड करिए, उसमें विषयवार मैं पूरे क्वेश्चन आपको करवाता हूं। इसके अलावा भी आपको कम से कम 5 चैप्टर और हैं जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो एकदम मतलब आप अपने आप में पूर्णतया ये चीज मना स्थित अपनी मजबूत करिए कि परीक्षा प्लस में जितनी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही सब कुछ आपके लिए बहुत हितकर है और सभी चीजें कोई भी चार्जेस नहीं है, निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। तो अन्य जानकारियां मैं क्या क्या चैप्टर्स किन पर आपको बात करने जा रहा हूं उसके बारे में एक बार और प्रशंसा हम कर लेते हैं कि ग्रामीण विकास जो हमारा है, भारत सरकार जिसको लेकर बहुत ज्यादा फोकस होती है, हर जगह गवर्नमेंट आपसे बोलती है कि हम ग्रामीण विकास को लेकर के तमाम योजनाएं चलाएं, इतने मंत्रालय आपको देखने को मिल जाते हैं कि भाई ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अच्छी पहल हो गई, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह कर दिया। तो ये जो ग्रामीण विकास हम सुनते हैं, गांवों के लिए विकास भैया हो क्या रहा है, इन सारी योजनाओं को भी हमें पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे संविधान में तमाम ऐसे आपके प्रावधान किए गए, उन प्रावधान स्थानीय स्वशासन को छोड़ दीजिए, संविधान के बहुत सारे प्रावधान है, अनुच्छेद जब आपके फंडामेंटल राइट्स को मैं इनके साथ कंपेयर कराऊंगा कि ग्रामीण विकास में क्या फंडामेंटल राइट्स में क्या भूमिका आपको देखने को मिलती है, जितनी लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जितनी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, दोनों का मिला जुला संगम क्या विकास के पथ पर अग्रसर है या नहीं,
कृषि को लेकर विश्व में कौन कौन से बैंक आपके कार्यरत हैं, इनसे भी सवाल होता है। वर्तमान में भारत सरकार की नीतियां क्या क्या कृषि को लेकर हैं, इनसे भी सवाल होता है। भूमि से संबंधित बहुत कुछ आपको आना चाहिए, इनसे भी सवाल होते हैं। फसलों से संबंधित भी सवाल पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से सवाल होगा। इससे 25 क्वेश्चन भैया आने हैं आपका, बहुत बड़ा रोल है इसका। तो इसीलिए जो कुछ पढ़ा रहा हूं उसको ढंग से पढ़ो, कहीं भटकाव की जरूरत नहीं है। जितने लेक्चर्स दिए जा रहे हर एक फैकल्टी के द्वारा, आप यह मान के चलिए कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के बेस्ट पर ही कार्य कर रहे हैं। चाहे लोअर की परीक्षा है, चाहे जो परीक्षा है, आप पेपर उठा के देख लीजिए, जो हमने टेस्ट पेपर करवाया है वो देख लीजिए, आपको सेम चीजें मिलेंगी, कोई भी परिवर्तन नहीं है इस वजह से। ठीक है, हम पर विश्वास करिए और हमारे साथ अपने करियर की यहां शुरुआत करिए कि ग्रामीण विकास को हमें पढ़ना है, लेखपाल तो बस लेना ही है। पूरी तरीके से दिमाग में भर लीजिए कि लेखपाल लेना है और परीक्षा प्लस के साथ मिलके मुझे अब अपनी पढ़ाई शुरुआत करनी है। तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए मैं बताता हूं कि प्रमुख शामिल बिंदु कौन कौन से हैं जिनके अंतर्गत मैं ग्रामीण विकास एवं समाज की शुरुआत आपसे करने जा रहा हूं। तो अपने आप को बांध लो, यहां कंसंट्रेट कर लो। देखो मैंने लिख दिया है कि शामिल इसके अंतर्गत प्रमुख बिंदु क्या है। हालांकि आप जानते हैं कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरे पास अगर पॉइंट आ गए तो पॉइंट में जो बता रहा हूं, अगर डिटेल कहीं मैं घुस गया तो मैं वहां पहुंच जाता हूं। अगर चीजें जरूरी है तो मैं आपको तह तक बताऊंगा, और नहीं जरूरी है तो मैं यह जानता हूं टीम परीक्षा प्लस के सारे टीचर्स की आप खूबी देख लीजिए कि ये हम इस चीज पर फोकस होते हैं कि हमें यहां परीक्षा पास करवानी है, आपको पीएचडी नहीं। सबसे बेस्ट चीजें क्या है, हम आपके तभी मार्गदर्शक हैं जब आपको हम परीक्षा में सफलता दिलाएं। भाई नॉलेज देने, नॉलेज के लिए आप पढ़ के आए हो, आप ट्वेल्थ करके आए हो, ग्रेजुएशन करके आए हो, सब कुछ चीजें आती है। यहां आपको ये जरूरी है कि टीचर आपका वही बेस्ट है जो आपको ये बताए कि बच्चा ये नहीं पढ़ना, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये पढ़ो इससे कंटेंट आता है। तो वो चीजें यहां पर हैं आपके सामने, देखो ध्यान दो। पहला पॉइंट आपके सामने है ग्रामीण विकास को हम बहुत विधिवत पढ़ेंगे कि भैया ग्रामीण विकास होता क्या है। दूसरी चीज, ग्रामीण विकास की अवधारणा कहां से आई, क्या स्वतंत्रता पूर्व कौन सी संस्था बनी या स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी जो है संस्था बनी जिसके द्वारा आज का ताना बाना, मतलब जिला स्तर आया, ब्लॉक स्तर आया, तहसील स्तर आया, तीनों में अधिकारी हुए, सभी के कार्य बटे, तो ये जो ताना बाना हमारे सामने दिखता है, इस ताना बाना को आने के पीछे इसकी अवधारणा क्या रही, इसको बहुत ढंग से समझेंगे। अगली बात क्या, भारत सरकार के कल्याण कार्यक्रम को देखेंगे कि गांवों में भारत सरकार कौन कौन से कल्याण कार्यक्रम चलाती है, समझ गए। तीसरा पॉइंट ये होगा। चौथा पॉइंट, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नीतियां, कौन कौन सी नीतियां भारत सरकार के द्वारा कृषि को लेकर और ग्रामीण विकास को लेकर चलाई जा रही हैं, उन सभी नीतियों को हम स्वतंत्रता से लेकर आज तक देखेंगे क्योंकि सवाल आया है, इसीलिए पढ़ना लाजमी है। आगे बात, आजादी के बाद भारत में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम क्या क्या चलाए गए, क्योंकि पूछ लेता है कि भैया सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। भारत में जो है बही खाता से संबंधित, या भारत में बहुत सारे है जो है किसान क्रेडिट जो आपका कार्ड है इसकी शुरुआत कब की गई, मनरेगा की शुरुआत कब की गई, ये सब गांवों को जो है एक मजबूती प्रदान करने के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। इस वजह से भारत सरकार से संबंधित आजादी के बाद जो ग्रामीण भारत के विकास के लिए कार्यक्रम है उन सभी कार्यक्रमों को विधिवत पढ़ना, और यह मैं पढ़ाऊंगा पांचवें पॉइंट पर। अगला छठे पॉइंट देखिए, सबसे बड़ा सवाल, यह पॉइंट आपका बहुत जरूरी है, उत्तर प्रदेश भूमि संबंधी कानूनी जानकारी, कौन सा एक्ट कब आया, जमींदारी उन्मूलन कब आया, उसके बाद जो है भूमि से संबंधित रेगुलेशन एक्ट्स कौन कौन से आए, किसके द्वारा कृषि को मान्यता दी गई, किसके द्वारा कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया, कौन सी फसल चक्र के लिए क्या चीजें होंगी न्यूनतम मूल्य, इन सभी पर विधिवत जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे बड़ा चैप्टर यही होगा, इसी को बहुत ढंग से पढ़ना है हमें, और यही सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ा भटकाव यही होता है कि हम इसको कैसे पढ़ें। सर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये पढ़ा दीजिए पहले, तो सारी चीजें चूंकि एक दूसरे से रिलेटेड है इस वजह से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन मिलेगा सब कुछ। ठीक है, एक चीज आप बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम क्या है। भैया सातवां जो पॉइंट होगा ये होगा कि उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम क्या है। जोत का मतलब समझते हैं ना कि जितनी आपके पास जो है जमीन है उसकी जो है कितने की आपकी जोत, उसी को बोलते हैं जमीन कितनी है ना, तो कहीं कहीं यूज करते हैं जोत। ठीक है, हमारे जो है एक जानकार है
तो उनके यहां जब बच्चे की जो है शादी आए लड़कों की इनके यहां, तो उनके बाबा जी थे, दादाजी थे, तो वो क्या करते थे, वो अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे, उनके बाबा जी, ठीक है, जिनके नातियों की जो है पोतों की शादी आती थी, और जो भी बंदा आता था, ठीक, गांव में इसके चर्चे मशहूर है हमारे यहां, जो भी बंदा आता था तो वो अपने दरवाजे से खड़े होते थे और सिर्फ उंगली दिखाते, वहां तक जो वो दिख रहा है ना अंतिम वाली मेड़ ऊंची वाली, वहां तक हमारा ही है। तो वही भाई गांव में क्या है, जमीन जिसकी लंबरदार है फला तो ठीक है, भुईहार है वो साइड में, क्या जरूरत है गोरखपुर साइड उस तरफ भुईहार है भैया, अपने इधर लंबरदार है, ठीक है, जमींदार है भैया, जमींदार नहीं, जमादार तो दूसरे हो गए, जमींदार है भैया, लंबरदार है। तो इन्हीं सभी को पढ़ना है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, कौन कौन से, देखो नौवां पॉइंट जो है, सात पॉइंट वहां देखे थे, आठवें पॉइंट को यहां समझो क्या पढ़ाऊंगा मैं, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के बारे में, उत्तर प्रदेश भू राजस्व रिकॉर्ड ऑपरेशन के महत्वपूर्ण बिंदु, इनके बारे में हमें पढ़ना है कि भू राजस्व जो रिकॉर्ड ऑपरेशन चलते हैं आपका कार्य क्या है, आप लेखपाल बनेंगे तो जाकर के जमीन पूरा रिकॉर्ड रखेंगे कि फला जो है गाटा संख्या इनके नाम दर्ज है, ठीक है, इसमें अंतरिम आदेश कौन से कहां से कैसे आए, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, ये चक्रोड इनके खेत से पास होती है, इतना लट्ठा चक्रोड इनके खेत से निकली थी, ठीक है, जमीनों को मापने का, और जहां से जो है लेखपाल जानते ही हो, सुबह सुबह उठ के जो आया और पैसा चढ़ा दिया, क्या करता है तो वो क्या करता है, अगर चक्रोड भाग के दो जो है अगर किलोमीटर पीछे हो तो आपके खेत में निकाल देगा, इतनी हैसियत रखता है, अब आप समझ जाओ लेखपाल को, ठीक है, चक्रोड कहीं भाग गई हो आप सिर्फ कह दीजिए चक्रोड उनके जो है खेत में है, और सुबह सुबह चढ़ावा दे दीजिए तो चक्रोड आपके खेत में निकाल देगा, इतनी लेखपाल की हैसियत होती है। पता नहीं कौन सा गाटा संख्या यूज करते हैं कि फला लट्ठा से यहां से प्रारंभ हुआ था और एक चक को नापना शुरू करते हैं और लास्ट में आकर के आपके खेत में पहुंचेंगे बगड़बड़, और हम आप क्या जाने, लेकिन अब हमें आपको यही कार्य करना है, इसलिए हमें आपको बहुत अच्छे से जानना है, ठीक है। देखो भैया हम पढ़ाएंगे तो हम भी सारा काम तो आपको पढ़ा रहे ना, तो हमको तो भी जानना है बहुत सारी चीजें, और फिर जो है मिलोगे कहीं पोस्टिंग हो गई मेरे जान पहचान में तब हम बताएंगे। चलो इसको ध्यान दीजिए, आगे दसवां नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, भूमि से संबंधित परिभाषा क्या होती है, इसको बहुत विधिवत ढंग से जानेंगे कि भैया मैंने आज बताया कि वैदिक से उठा लो जब से हम आए हैं, या जब से कबीले बनना प्रारंभ हुए तब से लड़ाई भूमि से हुई है, आज भी लड़ाई इसी से होती है, तो इससे संबंधित बहुत विधिवत जानकारी मैं दूंगा। उसके बाद भूमि दस्तावेज या भू राजस्व अभिलेख क्या है, यही सब आपका कार्य है, इससे सवाल पूछेगा। उसके बाद भूमि प्रबंधन समिति क्या होती है, इसको ढंग से पढ़ना है, और फिर पट्टा देने का क्रम आपको आना चाहिए, ठीक है, आपकी ही साइन होगा, प्रधान कहेगा कि लेखपाल साहब इनको पट्टा दिए है देख लीजिएगा। तो भूमि आवंटन कैसे होता है, पट्टा देने का क्रम क्या है, पट्टा प्रदान करने तथा काबिज दिलाने की प्रक्रिया क्या होती है, इन सभी को आपको जानना है। पंद्रहवां पॉइंट आपके सामने क्या होगा, जिस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे, वो पॉइंट आपके सामने क्या होगा, आवास आवंटन, ठीक है, जितने आवास से संबंधित है वो सब लेखपाल की जिम्मेदारी होती है। आवास आवंटन, पट्टा या गृह निर्माण के लिए भूमि कैसे देते हैं, इसका तरीका एवं क्रम धारा 122 गा के अंतर्गत है, राजस्व की नीतियों के अंतर्गत, इसको आपको मैं पढ़ाऊंगा। 16 नंबर जो मैंने बताया कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत की भूमि से अवैध कब्जा या अतिक्रमण को हटाने का तरीका क्या होता है, यह भी तो मालूम होना चाहिए, ये तो आप ही करोगे ना। अगली चीज 17 नंबर, देखो एकदम फीलिंग अपने अंदर ले आओ कि लेखपाल तो हम बन ही चुके हैं, जितना पढ़ाया जा रहा उस पर कार्य करते रहो, एकदम पक्का है भैया, नो डाउट है। 17 नंबर राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारियों के कार्य, जो आप बनने जा रहे हो भैया, ठीक है, तो राजस्व न्यायालय का कार्य क्या होता है, राजस्व अधिकारी, आप राजस्व अधिकारी बनने जा रहे हो तो आपका काम क्या है, इसको बहुत विधिवत ढंग से आपको पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण नियमावली 1977 क्या है, ठीक है, इससे संबंधित। आजकल कृषि की जमीनें धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो रही, शहरों में परिवर्तित हो रही, तो इन्हीं सब पर विशेष परिचर्चा आप सभी से करूंगा एक एक करके। तो चलिए इतने तो चैप्टर्स के बारे में मैंने बात कर लिया, जो कुछ पढ़ाना है कुछ पढ़ा लिखा दूं, नहीं तो आप तो कहोगे कि सर जी सब कुछ इंट्रो देके गायब हो गए। चलो अब मैं शुरुआत कर देता हूं आज की चीजों से ही कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ग्रामीण विकास एवं परिवेश के अंतर्गत आज आपकी पहली क्लास है, तो क्लास 1 के अंतर्गत हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है, ये 2 PM की क्लास में यही चीजें आपको मिलेंगी, कुछ दिन सिचुएशन जैसे सही होती है तो लाइव क्लासेज हम लोग मिलेंगे, अभी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हम तक पहुंच नहीं पाई, बस डिजिटल बोर्ड हमारा किसी तरीके से पहुंच गया है,
इसी के लिए आप सभी का जो है सहयोग ऐसे रहा। तो टीम हमेशा आपको लाइव क्लासेज उपलब्ध करवाएगी, हर एक क्लासेज आपके लिए लाइव होंगी, तो उसमें परेशान नहीं होना है। आपसे ज्यादा चिंता हम करते हैं कि आपकी सुविधा का ख्याल हम कैसे रखें। घर में बैठिए, सेफ रहिए और पूरी पढ़ाई करिए परीक्षा प्लस के साथ जुड़कर। 4 से 5 क्लासेस डेली जाती है, उनकी नोट्स जाती है, उनको पढ़ के उनको समझ के उनकी क्विज देने में पूरा दिन बीत जाएगा। इसलिए एकदम पकड़ लीजिए कि अच्छे से हमें यहां से करना है और पूरी चीजें करिए, ठीक है। तो चलिए पहली चीज शुरुआत कर रहे हैं। तो पहली चीज में मैंने बताया कि ग्राम विकास जो चीजें आती हैं, ठीक है, ग्राम विकास से संबंधित जितनी चीजें आती हैं वो चीजें क्या होती है, उनकी शुरुआत तो हमारे सबसे पहले ग्राम से ही होती है कि भैया गांव है क्या। देखो उत्तर प्रदेश जो है, हमारा जो प्रदेश है ये गांव का देश है, या भारत जो है ये भारत आज भी गांव का देश है। लगभग आप ये देखिए कि 60% के करीब जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है। शहरों की ओर पलायन तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वह पलायन इतना भी तेज नहीं है। अभी वर्तमान हालात देख लो, शहरों से गांव की ओर पलायन की रफ्तार क्या रही है। लोग पैदल 700-700 किलोमीटर चल के गए हैं। गांव की स्थिति आप यही समझ सकते हैं कि हर एक बंदा शहर भक्त तो रहा है, लेकिन जब कोई जो है उसके ऊपर मुसीबत आती है तो गांव ही दिखता, क्योंकि गांव में क्या है कि गांव का बुधई भी जानता है कि अगर एक मुट्ठी हम गेहूं डाल दिए चारपाई पर पड़े पड़े तो परिवार के जो है खाने भर का अनाज हम पैदा कर लेंगे चाहे जैसे ही, ठीक है। तो वही चीजें, और इसी वजह से हम दोपहरी के किसान कहे जाते हैं, क्योंकि क्या होना चाहिए, दोपहरिया में हम कोई काम नहीं करेंगे भैया, हमें आराम चाहिए, क्योंकि हम गांव के किसान है। तो ग्राम से संबंधित सारी चीजों पर मैं परिचर्चा शुरू करने जा रहा हूं। चलिए भैया सबसे पहले मैं आप सभी के सामने शुरू कर रहा हूं कि ग्रामीण विकास है क्या, ठीक है। सबसे पहले चीजें आपके सामने शुरू हो रही है कि ग्रामीण विकास है क्या, इसी पर हम लोग अपनी परिचर्चा शुरू करते हैं। चलिए